गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स लेट्स बी कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर फोर अंडरस्टैंडिंग लॉ इन प्रीवियस चैप्टर आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द लॉ डैट इज़ फ्रेम्ड फ्रॉम द एंशंट टाइम टू द टिल द मॉडर्न टाइम तो मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में समझाया था कि जब हमारे यहाँ एंशंट टाइम में किस प्रकार के लॉ थे वो डिस्क्रिमिनेशन बेस पे थे किस प्रकार से कि जो हाई सोसाइटी के लोगों के द्वारा जो अपराध किया जाता था या कोई लॉ ब्रेक किया जाता था तो उनको कम पनिशमेंट मिलती थी इसके अपोजिट जो हमारे लोअर कास्ट सेक्शन थे अगर उनके द्वारा कोई रूल रेगुलेशंस या लॉ ब्रेक होता था तो उनको हार्शली पनिशमेंट दिया जाता था तो उसके बाद हमारी इसमें जो ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने थोड़े से रिफॉर्म्स किए ठीक है तो रिफॉर्म्स भी ऐसे था कि उन्होंने अपने अनुसार लॉ बनाए उन्हीं में से एक्ट था एक्ट 1870 जिसके इसमें यह था कि अगर कोई उस समय ब्रिटिशर्स के क्रिटिसाइज़ करता या उसकी बुराई करता तो ऐसा कानून था 1870 एक्ट कि उस व्यक्ति के बिना अपना पक्ष सुना ही पनिशमेंट दे दिया जाता था उसे अरेस्ट करके तो हमारे जो इंडियन नेशनल लीडर थे उस समय उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि उस समय जो ब्रिटिशर्स के जो कोर्ट थे उसमें इन, इंडियन लीडर्स को जजेस को अपॉइंट किया गया लॉ फॉर्म फार्मिंग कमिटी में उनको भी नियुक्ति की गई अपॉइंटमेंट दिया गया जिससे कि इंडिया के अनुसार लॉ बनाए जा सके तो हमारा जो लॉ बना उसके बाद तो ये सभी के लिए बराबर था जिसको पहले मैंने आपको समझा दिया था कि जो हमारा इंडियन लॉ क्या कहता है ऑल आर इक्वल वेदर इज रिच पुअर और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो हमारा कानून क्या कहता है कि सभी कोई इक्वल है ठीक है चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो नाउ लेट्स बी कंटिन्यू विद द अदर चैप्टर टॉपिक ओके ओके नाउ हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट डेट द पार्लियामेंट इज द मेन अथॉरिटी आवर रिप्रेजेंटेटिव मेक अ लॉ फॉर अस ओके नाउ लेट्स वी कंटिन्यू दिस वेन इज बींग ड्राफ्टेड द पार्लियामेंट हैज अ की रोल इन द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट वेज मोस्टली इट हैज़ बीन ऑब्जर्वड एट द डिफरेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी अराइज दियर वॉइस इफ़ अ कंट्री निड्स अ पर्टिकुलर लॉ तो इसका मतलब यह कि हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम इलेक्ट करके भेजते हैं उनका मेन रोल रहता है लॉ बनाने का दे फ्रेम द लॉ एकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ़ द पीपल तो इस प्रकार का लॉ बनाते हैं जो हमारे भारतीय सोसाइटी को या उसके लोगों को सूट करे Okay, for the example, the several lawmaker students and activists came together so that an act prevent domestic violence could be framed. They submitted a draft to the parliamentary standing committee, which in return submitted the recommendation Lok Sabha and Rajya Sabha. Once the bill was passed in the two houses, it was the president. Finally, the bill फॉर the प्रोटेक्शन ऑफ women अगेंस्ट the डोमेस्टिक वायलेंस केम into एक्सिस्टेंस इन in 2005 थाउजेंड फाइव तो हम यहाँ पर बात करें एक एग्जाम्पल देखें कि हमारे देश के बहुत से जो सामाजिक कार्यकर्ता है सोशलिस्ट हैं उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस जो इस्पेसली होता था वुमेंस के लिए डॉरी जिसमें औरतों के साथ मारपीट किया जाता था ज़िंदा जला दिया जाता था इस प्रकार के बहुत से एक्ट उनके अगेंस्ट में होता था तो जो हमारे सोशलिस्ट लीडर थे उन्होंने डिमांड किया कि डोमेस्टिक वायलेंस को प्र... को रोकने के लिए एक लॉ होना चाहिए तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है जो पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं लोकसभा में उन्होंने उनकी इस बातों को गंभीरता से सोचा और 2005 में टू इन टू दे पास अ लॉ अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस तो लॉ कैसे बनता है तो पार्लियामेंट हाउस मेन है क्योंकि वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते जो हम जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं तो सबसे पहले लॉ लोकसभा में पास किया जाता है आफ्टर डैट इन राज्यसभा जैसे आप लोगों को मालूम है दो सभाएं होती है एक लोकसभा और एक राज्यसभा उसके बाद जब ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल अगर पास होता है आफ्टर डैट द प्रेसिडेंट विल साइन इट उसके बाद प्रेसिडेंट इस लॉ को स्टडी करता है उसके बाद वो साइन करता है और साइन करने के बाद ही कोई बिल जो है वो लॉ के रूप में एग्जीक्यूट किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हमारी जो अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ था 2005 का वो भी इसी प्रोसेस से होके गुजरा और 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस के विरुद्ध एक लॉ पास किया गया ठीक है इस फिगर में हम देख सकते हैं कि कैसे जो है लोग डिमांड कर रहे हैं अपने इक्वालिटी के लिए अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेस्टिक वायलेंस तो हम डोमेस्टिक वायलेंस से क्या समझते हैं डोमेस्टिक वायलेंस रिफर्स टू द एनी हार्म इंजरी और द ट्रीट कॉस्ड बाय द एक्शन एज अ मेल यूजली बाय अ हजबेंड अगेंस्ट हिज वाइफ इंजरी कैन ऑल्सो बी कॉस्ड इन अ मेंटली अ वुमेन इमोशनली और बीट तो ये डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी प्रकार का शारीरिक मानसिक तंग करना मारपीट करना चाहे वो हस्बैंड के द्वारा हो या किसी अन्य लोगों के द्वारा तो ये डोमेस्टिक वायलेंस आता है जिसे हम हिंदी में घरेलू हिंसा कहते हैं जिसके बारे में आप लोग पेपर में या न्यूज़ में सुनते होंगे या देखते होंगे तो इसके विरुद्ध एक्ट 2005 पास किया गया जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए लॉ है और प्रूफ होता है तो उसे जेल होती है कम से कम सात साल की द सिटीजन रोल इज क्रूशियल वेन द पार्लियामेंट इज फार्मिंग द डिफरेंट कंसर्न द इंडियन सिटीजन माइट हैव रिगार्डिंग द लॉ वेन द लॉ बिंग प्रोसीड द स्टेज द वॉइस ऑफ द इंडियन सिटीजन इज इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे देखिए लॉ बनाते समय जो हमारे लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव है जैसे इलेक्टेड मेंबर हमारे द्वारा जो इलेक्ट हुए वो ये ध्यान रखते हैं कि कोई इसी प्रकार का लॉ बनाए जो हमारे देश को सोसाइटी को लोगों को सूट करे तो वो इसी प्रकार का लॉ फ्रेम करते हैं अगर वो इस, इस, कोई इस प्रकार का लॉ बनाए जो हमारे लिए सूट ना करे या देश के हित में ना हो तो लोग उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं तो ये वो कैंपेन चलाते कैंपेन में सिग्नेचर कैंपेन होता है स्ट्राइक होता है हंगर स्ट्राइक होता है इस प्रकार से वो सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करती है उसको वो फोर्स करती है कि जो लॉ बनाया है उसमें अमेंडमेंट करे अमेंडमेंट मतलब मैंने आपको बताया था चेंज ठीक है इस प्रकार से हमारे देश में कानून बनाया जाता है सबको ध्यान में रखकर सबके हितों को देखकर अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ तो इसी के तहत हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ ऐसे लॉ जो हमारे देश में बनाए या जिनके ऊपर विचार किया गया था ठीक है जो लोगों की भलाई या उनके हित में नहीं था और वापस लेना पड़ा अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ दे देयर द सर्टन सिचुएशन वेयर आफ्टर द पार्लियामेंट पास्ड द लॉ इट बिकेम द अनपॉपुलर एमंग द पीपुल एंड पीपुल मे फाइंड इट अनएक्सेप्टेबल एंड अनपॉपुलर दे माइट फील ई डैट द इंटेंशन बिहाइंड इट्स हार्मफुल एंड अनफेयर तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा बनाए जाते हैं जब वो लोगों के सामने पेश किया जाता है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं ठीक है, है? क्यों क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे हित में नहीं है इसी में अब एकदम हम फ्रेश एग्ज़ाम्पल या ताज़ा एग्ज़ाम्पल देखते हैं शायद आप लोगों ने अभी न्यूज़ में और पेपर में पढ़ा होगा हमारे जो देश के अधिकतर किसान हैं वो दिल्ली में स्ट्राइक कर रहे हैं लोग क्यों क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा कृषि बिल ठीक है पास की है जिससे शायद किसानों को लगता है कि अभी जो रिसेंटली जो कृषि बिल लाया गया है किसानों के लिए उससे उनका हित ना होकर अहित होगा इससे उनको नुकसान होगा इसी कारण हमारे देश के अधिकतर किसान जो है वो दिल्ली में अभी धरना में बैठे स्ट्राइक पे बैठे हैं और गवर्नमेंट को फोर्स कर रही है कि वो अपने इस कृषि जो बिल जो लाए है एग्रीकल्चर जो बिल अभी उन्होंने बनाया है उसमें अमेंडमेंट करे उसमें कुछ चेंजेस लाए तो ये हम देखते हैं अनपॉपुलर या अनकंट्रोवर्शियल कहते हैं ठीक है जिससे लोगों को न, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करने का मौका मिलता है क्यों क्योंकि वे सोचते हैं कि जो कुछ हर लॉ जो है देश के हित के लिए ना हो तो उसके विरुद्ध वे नारेबाजी करते हैं देयर फॉर अ ग्रुप एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ देयर फॉर ए ग्रूप द पीपुल मे कैम अ हैड टू द सिटीज़न द लॉ होल्ड मीटिंग रिगार्डिंग इट राइट अगेंस्ट द न्यूज़ पेपर रिपोर्ट टू अ टी वी चैनल एक्सेट्रा तो देखिए जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि हमारे देश के किसान जो है एग्रीकल्चर जो बिल लाया गया है केंद्र के द्वारा अभी अगर आप पेपर वगैरह में देखेंगे तो आपको ये या न्यूज़ तो ये जो अभी मैंने एग्ज़ाम्पल आपको समझाया है वो आपको जरूर मिल जाएगा ठीक है तो उसमें क्या हैं कि जो लोग क्या करते जो अनकॉन्ट्रोवर्शियल जो कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है या जो अनएक्सेप्टेबल रहता है जिसको लोग स्वीकार नहीं करते वो सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हैं हंगर स्ट्राइक करते हैं कैंपेन करते हैं किसी भी तरीके से वो सरकार को जागरूक करते हैं कि हमारी बातें सुनिए हम क्या कहना चाहते हैं तो इस प्रकार वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए ठीक है अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अकॉर्डिंग टू द मुंसिपल लॉ ऑफ The vending and the streets hawking is illegal in the space within the municipal limits. The poet had so the people can walk on them. However, even the hawkers and the other vendors provide the cheap. सर्विस तो यहाँ हम क्या देखते हैं यहाँ पर हम एग्जांपल में देखते हैं कि जो हमारा मुंसिपल कॉपरेशन है जैसे रायपुर मुनसिपल कॉपरेशन है कुछ कुछ जगहों पे वे स्ट्रिक हॉकर जो मतलब सड़क के किनारे बैठ के अपनी दुकान या बाज़ार लगाते हैं तो उनको मना करके रखा है क्यों क्योंकि उससे आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है लेकिन अगर हम यहाँ देखें एक दूसरा ग्रुप जो गरीब लोग तबके के लोग हैं जो दुकान का किराया नहीं दे सकते जो सड़क के किनारे इस प्रकार की चीज़ें सब्जी है या और कोई प्लास्टिक के आइटम्स बेच अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं उनको इस लॉ से प्रॉब्लम होती है क्यों वो बना करता है और न मानने पे निगम के लोग या मुंसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आके उनके सामान को लेके चले जाते हैं तो हम इसी कारण कहा गया है कि कोई भी लॉ बनाते समय हमें किसी एक ग्रुप का ध्यान नहीं रखना पड़ता हमें सभी ग्रुप का ध्यान रखना पड़ता है कि सभी को बराबर से उस लॉ का जो का, जो कानून बनाया जा रहा है फ़ायदा मिले इसलिए मैंने आपको शुरुआत के ही इसमें समझाया था कि हमारे देश का कानून ऐसा है कि सभी को बराबर फ़ायदा मिले किसी एक क्लास को या किसी एक वर्ग को नहीं चाहे वो रही वेदर ही इज़ रिच पुअर और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सभी के लिए कानून इसलिए बराबर है सो वी हैव कम्पलीटेड दिस चैप्टर